गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश चंद्र यादव फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज कमा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को स्टेटमेंट भी कहा जाता है और इसको स्पीच भी कहा जाता है। इन तीनों का अर्थ है कथन। नरेशन मीन्स भी कथन होता है और स्टेटमेंट मीन्स भी कथन और स्पीच मीन्स भी कथन होता है। तो व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज नरेशन, नरेशन क्या है? तो व्हाट एवर वी स्पीक और टॉक इज कॉल्ड नरेशन। व्हाट एवर मीन्स जो भी वी मीन्स हम स्पीक बोलते हैं और या टॉक करते हैं उसी को इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। जो हम बात करते हैं बोलते हैं उसी को नरेशन कहते हैं। या फिर ये वाली डेफिनेशन सरल ना लगे तो ये वाली याद कर लेना, दोनों एक ही डेफिनेशन है, दोनों कमिंग से भी है। ये देखिए, व्हेन मींस जब का स्टेटमेंट, जब कथन और का स्पीकर मींस होता है, वक्ता का बोलने वाले का जो कथन है उसको इज टोल्ड मींस कहा जाता है। इन ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके में, ये मींस रास्ता तरीका होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। और जब वक्ता के कथन को कहा जाता है उसी को इज कॉल्ड मींस कहा जाता है नरेशन। तो काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। देयर आर मींस होता है, टू मींस दो टाइप्स प्रकार का ऑफ नरेशन, दो प्रकार का। नंबर वन डायरेक्ट स्पीच, यानी हमने बता दिया है कि नरेशन मींस स्टेटमेंट और स्पीच भी होता है। डायरेक्ट स्पीच, व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज क्वोटेड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, व्हेन मींस जब द एक्चुअल वर्ड्स, जब वास्तविक शब्द ऑफ द स्पीकर मींस होता है वक्ता के, इज क्वोटेड उसका उल्लेख किया जाता है। जब वक्ता के वास्तविक शब्दों का उल्लेख किया जाता है उसी को इज कॉल्ड मींस कहा जाता है। जब वक्ता के वास्तविक शब्दों का उल्लेख किया जाता है उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। द वर्ड्स मींस शब्द ऑफ द स्पीकर, जब वक्ता के शब्दों को इच कैप मींस रखा जाता है, मतलब मींस अंतर्गत इनवर्टेड कॉमास, उसको इनवर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एग्जांपल है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई टीच यू इंग्लिश टुडे, मैं आज आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो ये इनवर्टेड कॉमा में रखा हुआ है ये वाला पार्ट। तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच है, ये इसमें रखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हेन मींस जब द सबस्टेंस मींस उसका जो अस्तित्व होता है ऑफ द स्पीकर, जब उसके वक्ता का जो अस्तित्व है स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, उसके एक्चुअल मीन्स वास्तविक वर्ड शब्दों का या रिटन मीन्स लिखा जाता है या कहा जाता है, जब वक्ता के वास्तविक शब्दों को लिखा जाता है या उसको जो कहा जाता है उसके अस्तित्व के लिए, लिखे हुए या कहे हुए उसके वक्ता के शब्दों के अस्तित्व के लिए, तो उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यानी जब वक्ता के वास्तविक शब्दों को लिखा जाता है उसके कहे हुए शब्दों का जो अस्तित्व होता है उसको ही इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। देखिए इसमें है नो इनवर्टेड कॉमास आर यूज, इसमें इनवर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए यही वाला डायरेक्ट था, इसका एग्जाम्पल ही ये इनडायरेक्ट में स्ट्रेस बन जाएगा, ही कहीं रहेगा, सेट के ऊपर टोल्ड हो गया, अभी अभी रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा छोटा का कंजंक्शन ब्रेक लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, यहाँ ही हो गया आई का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया, ईच कट आउट हो गया, सेकंड फॉर्म इसकी यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इसमें मी है, मी हो गया, इसका मींस रहा, ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द है तो प्रकट करने वाला शब्द बदल गया और टुडे का डेट। थैंक्स माय स्टूडेंट्स, आज हमने आपको नरेशन के बारे में बताया कि नरेशन क्या होता है। इससे
इससे आगे उसके उनसे और उन्हें पढ़ते हैं। थैंक्स।